नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। गढ़साना में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर SFI ने किया प्रदर्शन। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। नई मंडी गढ़साना। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज गढ़साना में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग को लेकर रैली निकाला कर कांग्रेस सरकार की घुमंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष चतर राम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान SFI के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा सिंह ढिल्लो ने क्षेत्र से लगभग 2500 विद्यार्थी प्रतिवर्ष 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा हेतु दूर दराज के शहरों में जाने और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ने की के लिए मजबूर होते हैं, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी महाविद्यालय खोला जाए। SFI के जिला उपाध्यक्ष रोबिन कुमार ने कहा कि आगामी बजट में गढ़साना में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की जाए ताकि हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सौगात दी जा सके। इस दौरान SFI गढ़साना तहसील अध्यक्ष पंकज वर्मा, नगर अध्यक्ष कमला महलोत, भवानी वर्मा, सुशील कशिश, जयदीप मनोज, अंकित बिश्नोई, मदन दीपांशु, रितु स्वामी, विकेश बिश्नोई, नवीन, बलजीत सिंह, राज सरवा, अमन, अरुण सहित भारी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। पूरी करो। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते।